लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, अपने आप को सामान्य करो। समाहित मन से समह, सारा का सारा ध्यान नाभि से पैर के पंजों तक, एक ही ध्वनि होगी और एक ही ध्वनि का सारा असर अपने वात रोग को शांत करने के लिए, जो आपके मन को इधर उधर भटकाता है उसको शांत करने के लिए। चलिए एक का उच्चारण जोर जोर से, ऊंचे ऊंचे स्वर में एक ही ध्वनि। कमर सीधी रखिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, जोर जोर से एक ही ध्वनि। ध्यान आपका सारा का सारा नाभि से पैर के पंजों तक, उच्च स्वर में ध्वनि कीजिए। कम से कम 11 बार करना है एक उच्चारण। अगला उच्चारण ऊ का उच्चारण करेंगे, नाभि से हृदय तक। पित्त जो दोष होता है अपना मन भटकाने के लिए, ये भी मन भटकाव में काफ़ी अहम रोल अदा करता है, मन नहीं लगने देता, वो जो उबासी आती है आलस्य से वो इसका कारण पित्त या तो घटी हुई है या बढ़ी हुई है। चलिए ऊ का उच्चारण जोर जोर से, उच्च स्वर में ऊ के उच्चारण में भी नाभि का जोर लगना चाहिए, ऐसा नहीं केवल गले से आवाज निकले। बिना हिले, बिना डुले, बिना आंखें खोले ऊ का उच्चारण उच्च स्वर में।
स्पीक लाउडली। शांत।